बैंकों में नए कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग को लेकर ऑल इंडिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र फेडरेशन तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में बैंक के समस्त संगठनों के कर्मचारियों द्वारा एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल किया गया। हड़ताल कर रही बैंक कर्मियों का कहना था कि बैंकों में कर्मचारियों की कमी से कार्य प्रभावित हो रहा है। कई वर्षों से बैंक में नए कर्मियों की भर्ती नहीं की गई और इस दौरान कई कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। कितने रिटायर्ड हो गए, कितनों ने त्याग पत्र दे दिया और कितनों को पदोन्नति हो गई, फिर भी नए कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई और इस दौरान बैंकों पर शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का बोझ बढ़ा है, इसलिए नए कर्मियों की नियुक्ति आवश्यक है। जिसके संबंध में संघ के सचिव अरुण सिंह ने बताया कि बैंक में कर्मचारियों की भर्ती किए जाए ताकि हम कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के ऊपर काम का ज़्यादा लोड हो गया है, इसलिए दैनिक भोगी कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अक्टूबर माह में 2 दिवसीय हड़ताल किया जाएगा, फिर भी मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ उत्तर क्षेत्र के सचिव अरुण सिंह ने कहा, एकता जिंदाबाद, संघर्ष जिंदा, अपना हक लेने की खातिर हम सड़कों पे आए हैं, अपना हक लेने की खातिर हम सड़कों पे आए हैं, अपना हक लेने की खातिर हम सड़कों पे आए हैं, रहेंगे लेके रहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, आवाज दो हमें, एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद, 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 हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, मेरा नाम अरुण सिंह है और मैं इधर नॉर्थ जोन का जनरल सेक्रेटरी हूं अपने NOBW यूनियन का, और हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र का यहां पे UFBU के बैनर तले, जिसमें कि सारी यूनियन शामिल हैं, उसके बैनर तले हम यहां पे हड़ताल का आयोजन कर रहे हैं। हमारा प्रदर्शन जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंधन के हठ धर्मिता के खिलाफ है। हमारी मांगे हैं कि बैंक में और क्लर्क भर्ती किए जाए, क्योंकि हम कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दे पाते हैं। एक आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो गया है, काम का दबाव ज़्यादा है, और हमारे बैंक में यह हालत है कि पहले जो आज से 10 साल पहले एक ऑफिसर पे 4 क्लर्क होते थे, आज की डेट में एक ऑफिसर पे आधे क्लर्क हैं। जितने भी टेम्प्रोरी स्टाफ हैं, सब स्टाफ हैं, उनका जो है परमानेंट नहीं किया जाता है। पिछले 10 सालों से भर्तियां बंद कर दी गई हैं, तो इसके खिलाफ हमने बैंक प्रबंधन को अपनी मांगें सौंपी थी, और इसके लिए जो है सेंट्रल शर्मायुक्त के पास जो है हमने अपना दावा भी लगाया था, लेकिन बैंक प्रबंधन अपने हठ में आ करके वहाँ पे मना कर दिया। इस वजह से आज एक दिवसीय हड़ताल का, सांकेतिक हड़ताल का आयोजन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सभी एवार्ड स्टाफ कर्मचारियों ने पूरे देश में किया है, और हमारी बैंक प्रबंधन से मांग है कि वो अपनी हर धर्म का छोड़ करके क्लर्कों का भर्ती करें, PTS को जो है जो टेम्प्रोरी स्टाफ है उनको परमानेंट करें, PTS का प्रमोशन करके उनको दफ्तरी बनाया जाए। ये सब मांगों के लेकर के हम यहाँ पे आज हड़ताल कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं पूरी तो क्या है? अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे हम अक्टूबर में 2 दिन का हड़ताल का हमने कार्यक्रम रखा है, और वो 2 दिन का हड़ताल किया जाएगा। उसके बाद भी अगर बैंक प्रबंधन नहीं झुकता है तो हम उसको अनिश्चितकालीन हड़ताल करके झुकाएंगे, और बैंक प्रबंधन को झुकना पड़ेगा हमारी मांगों के सामने, क्योंकि बैंक में या कहीं भी जो मजदूर वर्ग है वो सबसे ज़्यादा काम करता है, अधिकारी वर्ग से काम उतना ज़्यादा नहीं होता है।